नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए क्रिकेट के देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको कृषि कानून को लेकर के अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों। यहां पर किसानों की एक बार फिर से बहुत बड़ी जीत हुई है। आगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है दोस्तों। यहां पर एक और वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे मोदी सरकार में सन्नाटा पसर गया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक और बीजेपी नेता ने मथुरा काशी में मौजूद मस्जिद को लेकर के विवादित बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों की खुली पोल। उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर के एक और ताजा खबर सामने आ रही है जिसमें चौंकाने वाली जो है खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आगे जो है यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भगवाधारियों ने एक और जो है क्रिश्चियन स्कूल के ऊपर हमला कर दिया है दोस्तों। मध्य प्रदेश के विदिशा से खबर है जहां पर एक और जो है क्रिश्चियनों के स्कूल पर हमला किया गया है, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानून के बाद एमएसपी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के अभी अभी बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन आगे खत्म होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नागालैंड में जिस तरह से जो है सुरक्षा बलों की तरफ से गोलीबारी हुई उसमें 14 से ज्यादा लोगों की कैजुअल्टी हुई, उस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह फंस गए दोस्तों। उनके बयान को लेकर के एक जो है गवाह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हो, मोदी सरकार के खिलाफ काफी दिनों से कृषि कानून विरोध प्रदर्शन चल रहा था और इसको लेकर के अभी अभी बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों। 378 दिनों के बाद अब किसानों ने अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल किसानों की जो मांगे थी वो सभी मांगों को जो है मोदी सरकार ने मान लिया है, इस वजह से किसानों ने अपने प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हम आपको खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं, ये भारत सरकार की तरफ से लेटर जारी करके इसके बारे में बताया गया है। एमएसपी पर आगे कानून बन सकता है, किसानों को मुआवजा मिल सकता है और बिजली बिल जो किसानों के लिए हानिकारक था उसको भी अब जो है वापस मोदी सरकार ले सकती है। इसी के साथ साथ जितने भी केसेस दर्ज किए गए हैं उसको भी मोदी सरकार अब वापस लेगी, जिसके बाद 378 दिनों के बाद जो किसानों ने अपने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, मोदी राज में देश के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते है दोस्तों, वर्ल्ड इन इक्वालिटी की ताजा रिपोर्ट ने मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं, विश्व असमानता रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है और यहां एक और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं, विश्व असमानता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को बड़ा झटका लगा है और कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक और गरीबी बढ़ रही है तो दूसरी ओर एक समृद्ध वर्ग ऊपर बढ़ता जा रहा है। साल 2021 में आधारित इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10% आबादी की आय भारत की कुल आय का 57% है, जबकि इसके उलट 50% भारत की जो आबादी है उन लोगों की आय महज 13% ही रह गई है। अब आप समझिए कि 13% जो आय है 50% आबादी की, उसमें टोटल अगर आंकड़ा निकालें तो 53,610 रुपए होते हैं। अगर आपको कोई 53,610 रुपए दे और आपसे ये कहे कि एक साल अपने परिवार का पेट पालिए, अपना खर्चा चलाइए, अपना सब कुछ इसी में करिए, तो क्या आप उसको कर सकते हैं? ऐसा करने वाले यानी 50% हमारे देश के लोग बन चुके हैं। तो ये हमारे देश में गरीबी का स्तर है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, एक और बीजेपी के नेता ने मथुरा काशी के अंदर मस्जिद को लेकर के विवादित बयान
दे दिया है दोस्तों। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी नेताओं में लगातार जो है विवादित बयानों का दौर जारी है। बलिया विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने मथुरा और काशी पर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में राम मनोहर लोहिया का भी जिक्र किया। शुक्ल ने वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को घर वापसी बताते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल करीब आते आते इस तरह के बयान देने बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दिया। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। अब इसी को जारी रखते हुए मथुरा से बताया जा रहा है कि जिस तरह से मस्जिद पर विवाद चल रहा है, उस मामले पर बलिया विधायक आनंद स्वरूप ने कहा है कि जिस तरह से मथुरा और काशी में मौजूद सफेद इमारत है वो हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं है, यह इमारत हिंदुओं के सीने में शूल की तरह चुभती है। इस मामले में उन्होंने आगे कहा, मुझे ही नहीं हर हिंदू को यह परेशान करने वाला है। यानी कि बीजेपी नेताओं को अगर कहीं दो जगह मंदिर मस्जिद एक साथ नजर आते हैं तो उनके दिल में शूल की तरह वो खटकते हैं। यानी कि भाईचारा इन नेताओं को पसंद नहीं है, इनको सिर्फ देश में मंदिर मस्जिद अलग हो जाए, मुसलमान हिंदू अलग हो जाए, यह पसंद है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहां पर योगी प्रशासन और गृह मंत्री अमित शाह के दावों की खुली पोल, क्राइम के मामले पर एक और बड़ा खुलासा, आप इस खबर को देख सकते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां पर प्रैक्टिकल के बहाने नशा देकर के 17 लड़कियों से हैवानियत की खबर आई है दोस्तों, हैवानियत की गई है। दो स्कूल के मैनेजरों पर जो है केस दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 12 बजे रात को अगर महिलाएं चाहे उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम सकती हैं, और अगर आपका कोई कान का बाला भी गिर जाता है तो कोई उठा नहीं सकता। इस तरह से हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। लेकिन उसके उलट ये मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है, जहां पर प्रैक्टिकल के बहाने नशा देकर के 17 लड़कियों के साथ घिनौना कार्य कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह और योगी जी के दावों की हवा निकालती हुई ये खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यहां पर, अब जो है मध्य प्रदेश के अंदर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने एक और क्रिश्चियनों के स्कूल पर जो है हमला कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा से बड़ी खबर है, जहां पर सेंट जोसेफ स्कूल पर हिंदूवादियों ने हमला कर दिया है। धर्म परिवर्तन किया जा रहा था इस स्कूल में, ऐसा आरोप लगाते हुए कुछ हिंदूवादी संगठनों ने यहां पर हमला किया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा था। खैर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मामा जी की सरकार है, वहां पर कानून का राज चलता है। इस कानून उनके राज की जो खबर है, जो हालत है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, किसान आंदोलन हो सकता है खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 10 बजे बैठक बुलाई है, उसके बाद बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों की कई मांगों को और एक्सेप्ट कर लिया है। इसके चलते जो है अब एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है बॉर्डर पर, उसके बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो यह एक बड़ी खबर सामने आ रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नागालैंड में हुई गोलाबारी के मामले पर गृहमंत्री अमित शाह को झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं, गोलाबारी में बचा युवक बोला है कि उन्होंने हम पर गोली चलाई, हम भागे नहीं थे। लेकिन इसके उलट गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था उसकी पोल खोलती हुई यह खबर सामने आ रही है। आप लोगों की अपनी क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।